नमस्कार दर्शक बंधु, स्वागत करुच्ची आपण मानक मो चैनल रे। बंधुगण, नवरात्रि रो 9 दिन को अत्यंत पवित्र बोली माना जाए। एही शुभ समय भक्त मानक जीवन रे खुशी रो लहरी आनी थाए। बंधुगण, ए वर्ष माँ दुर्गा गज उपरे विराजमान होई आसुचंती। शास्त्र रे लेखा अछि एवं माना जाए कि शारदीय नवरात्रि रे जदि माता दुर्गांकर आगमन सिंह उपरे न होई हाथी उपरे हुए, तेबे एहा अत्यंत शुभ और कल्याणकारी होइथाय। जीवन सुखमय होई उठे, भक्तिर भरपूर लाभ भक्तगण को मिले। शारदीय नवरात्रि 15 अक्टोबर रविवार रु आरंभ होई 23 अक्टोबर सोमवार दिन समाप्त हेबो। एही 15 अक्टोबर दिन कलश स्थापना पाई शुभ समय हेउची दिन 11:44 रु दिन 12:30 पर्यंत। नवरात्रि सरीबा पूर्वरु जेऊ लोक एही पांचटी जिनिस को बाहर करि देबो तो तांको घरे हेबो मां दुर्गांको आगमन। तेणु नवरात्रि समय रे घरु बाहर करि दियंतु एही पांचटी जिनिस। आज आमे एमिति किछि भूल विषय रे मध्य जानिबा, जेऊ भूल सबु कले मां लक्ष्मी कदापि आपणको घरे प्रवेश करिवे नाही। आपण जेते पूजा पाठ कले मध्य तारो फल किछि मिलिबो नाही। पूरा सूचना जानिबा पई वीडियो टिकु पूरा देखंतु ओ मो चैनल टिकु सब्सक्राइब करी एही वीडियो को गोटे लाइक मध्य करि दियंतु। नवरात्रि आगरु सबुठु प्रथमे पूजा घर को भलसे सफा सुतुरा करि नियंतु। पूजा घरे जदि पुरुणा माळ भंगा फोटो की मूर्ति खाली दियासिली खोळ अछि तेबे से गुडी को बाहर को बाहरै दियंतु ओ भंगा फोटो की मूर्ति को नदी रे विसर्जन करि दियंतु। जदि माँ को फोटोर काच कि फ्रेम टिके भी फाटी जाइथिबो तो से काच को बदलाई दियंतु, किंबा से फोटो को जल रे विसर्जित करि दियंतु। भंगा भंगी मूर्ति कि फोटो को पूजा कले आपणको पूजार शुभ फल बदल रे अशुभ फल मिलिबो। बंधुगण, नवरात्रि रो 9 दिन अत्यंत शुभ होइथाए, तो 9 दिन जाको आपण पूजा घर को सफा सुतुरा और पवित्र रखंतु। नवरात्रि रो 9 दिन आपण ब्रह्मचर्य पालन करंतु एवं माछ मांस आदि तामसिक भोजन ग्रहण करंतु नहीं। नवरात्रि रो 9 दिन आपण बिल्कुल भी पियाज रसुण माछ मांस अंडा और मद्यपान करंतु नहीं। बहुत भक्त एही नियम सबु पालन करंती सत, किंतु से माने गोटे भूल करि बसंती, ताहा हेउची से माने घरे एही सबु जिनिस फ्रिज रे रखी दियंती। एमिती भूल रे भी करंतु नहीं। भागवत पुराण अनुसारे माँ दुर्गा 9 दिन पर्यंत निज भक्तंक घरे वास करंती। आउ जदि आपण भी चाहूचंती माँ दुर्गा आपणंक घरे 9 दिन पर्यंत निवास करंतु, तेबे 9 दिन पर्यंत निज घरर वातावरण को पवित्र रखंतु ओ नवरात्रि आरंभ हेबा पूर्वरु ही निज घरु माछ मांस अंडा पियाज रसुण ओ मद को बाहर को काढ़ी फिंगी दियंतु। एही जिनिस सबु काढ़ी सारी घरे गंगा जल छिंची घर को पवित्र करंतु। भगवत गीतारे भगवान कृष्ण कहिछंती जे गंगा जल न छिंची किछि शुभ काम करा जाए नाही। आउ जदि गंगा जल नाही तेबे आपण गोमूत्र छिंची मध्य घर को शुद्ध ओ पवित्र करि परिबे। आपण कोन करिबे ना, अल्प पानी रे गोमूत्र मिसाई घरर चारिआडे छिंचंतु। घरे थिबा सबु नकारात्मक ऊर्जा घरु बाहर को बाहरि जिवो। जेऊ घर पवित्र जेऊ घरे नकारात्मक ऊर्जा नथाए सेही घरे मां निवास करंती। नवरात्रि पूर्वरु आपण निज घर को भलसे सोफा सुतरा करि दियंतु। पुरुणा कपड़ा अनावश्यक वस्तु को बाहर करि दियंतु। अनावश्यक वस्तु नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करे, सेथि पई घर को अपरिष्कार बिल्कुल भी करंतु नहीं। धूप दीप कर्पूर जलाई घरर वातावरण को शुद्ध करंतु। बंधुगण, माँ को आगमन पाई घरर मुख्य द्वार को निहाती सजातु, एमिती कले माँ टाणी होई आपण को घर को आसंती। आउ घरे प्रवेश करंती माँ को आगमन पाई द्वार को फुलरे सजातु। जदि आपण को घरे भंगा मूर्ति भंगा माटीर दीप कि भंगा धूपदानी अछि तेबे से गुड़ी को नदी रे विसर्जित करि दियंतु, कारण एसबू जिनिस घर को दुर्भाग्य को डाकी आणे। देवी देवतांकर भंगा मूर्ति पूजा करंतु नहीं कि घरे रखंतु नहीं, कारण से सबू घरे रखिबाकू अशुभ बोली माना जाए।
आउ केतेक लोक निज घरर छात उपरे एवं घरर मुख्य द्वार पाखापाखी ओलिया आवर्जना जमा करी रखी थांती। एमिती कले नकारात्मक शक्ति घर को प्रवेश करे एवं जदि आपण भी छात उपरे ओ मुख्य द्वार सम्मुखरे विशेष करी घरर उत्तर दिगरे ओलिया जमा करी रखी चंती तो नवरात्रि पूर्वरु से ओलिया आवर्जना को घर निहाती बाहर करी फिंगी दियंतु। बंधुगण जदि आपण को घरे बंद घड़ी अच्छी तेबे नवरात्रि आरंभ पूर्वरु ताकू काढ़ी फिंगी दियंतु। नुआ घड़ी किणंतु नहले पुरुणा घड़ी को मरामती करै नियंतु एवं भूल रे भी बंद घड़ी रखंतु नाही, कारण चालुथिबा घड़ी सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करुथिबा बेले बंद घड़ी नकारात्मक ऊर्जा प्रदान करे। बंद घड़ी आम उन्नति रे बाधा सृष्टि करे, सेइथि पई नवरात्रि पूर्वरु बंद घड़ी को घरु बाहर करी फिंगी दियंतु। बंधुगण जदि आपणक पूजा घरे किछि अदरकारी जिनिष अछि जेमिति कि पुरुणा दियासिली खळ धूप पैकेट अदरकारी भंगा भंगी जिनिष अछि तेबे नवरात्रि पूर्वरु से सबुकु घरु बाहर करी काढ़ी दियंतु। ए सबु जिनिष पूजा घरे नकारात्मक शक्ति को बढ़ाए ओ आम प्रगति पथरे बाधा सृष्टि कराए। आपण टंका पैसा रखुथिबा स्थान को मध्य सफा रखंतु, कारण नवरात्रि रे दुर्गांक सहित मां लक्ष्मीकर मध्य आगमन हुए। निज आलमीरा रे जेउठी टंका पैसा रखुचंती से स्थान रे कोनोसी भी भंगा पुरुणा अदरकारी जिनिष रखंतु नाही। नवरात्रि रे मां दुर्गांक पूजा रे कौड़ी को मध्य पूजा करंतु, दुर्गांक सह प्रतिदिन कौड़ी को मध्य पूजा करंतु, एहा परे कौड़ी को टंका रखिथिबा स्थान रे रखि दियंतु। एमिति कले घर धनधान्य रे पूर्ण रहे। आपणक घरे जदि पुरुणा जोता कि चप्पल अछि तेबे नवरात्रि सरिबा पूर्वरु से सबु कु घरु बाहर कु काढ़ी दियंतु। पुरुणा जोता चप्पल रो अशुभता पई ही घर कु नकारात्मक शक्ति प्रवेश करे एवं घरे अशांतिर माहौल सृष्टि हुए। एहा सहित जदि भंगा बासन कुसन कि भंगा आईना कि भंगा काच घरे थाए तेबे से सबु कु मध्य नवरात्रि सरिबा पूर्वरु बाहर कु गाड़ी फिंगी दियंतु। घरे भंगा भंगी ईटा पत्थर मध्य रखंतु नाही, एमितिरे मां लक्ष्मी रुष्ट हुंती। एबे चालंतु जानिबा नवरात्रि समय रे कोन खाइबा उचित और कोन न खाइबा उचित, आउ केऊ फल खाइबा द्वारा व्रत पूर्ण और सफल हुए। शास्त्र रे लेखा अछि जे भगवान को सेव आदि चढ़ाइबा उचित, आउ जदि आपण व्रत रखिछंती तो कदळी अमृतभंडा अंगूर सेव आदि खाई परिबे। फलाहार कले व्रतधारी को शक्ति मिले और व्रत सफल हुए। शास्त्र रे लेखा अछि नवरात्रि समय रे आपण आतो माने सीताफल को निहाती खांतु। आतो को सीताफल बदली मध्य कुहा जाए। सीताफल मां सीतांको ठु आशीर्वाद पाइछि, सेइति पई कुहा जाए जे सीताफल खाइले व्रत पूरा हुए। सीताफल को अत्यंत शुभ फल बोली माना जाए। नवरात्रि रे मांकर नौटी रूप को पूजा करा जाए, नौ प्रकार अलगा अलगा भोग चढ़ा जाए। कौन आपण जानती कि किछि एमिती खाद्य अछि जहां मां को भूल रे भी चढ़ाइबा उचित नुहे। जदि ए सबु आपण मां को अर्पण करिवे तो आपण को व्रत और पूजार पूरा लाभ हेबो नाही। तो चालंतु जानिबा कौन से पदार्थ जहां को मां को पाखरे भूल रे भी अर्पण करा जिबा कथा नुहे। नवरात्रि समय रे विवाहित स्त्री लोकंकु पूरा धळा ओ कळा रंगर वस्त्र पिंधि पूजा पाठ करिबा कथा नुहे। एमितिरे पूजा व्रत खंडित होइथाय। नडिया आमे निश्चित रूपे मांको पूजा रे चढ़ाई पारिबा। श्री फल बा नडिया को पानी थिबा देखिकि ओ जोटा थिबा नडिया ही मांको उपरे अर्पण करंतु। फाटी जाइथिबा नडिया केबे मांको पाखरे चढ़ांतु नाही। गोटा नडिया को शुभ माना जाए। नडिया को श्री फल बा लक्ष्मीको फल मध्य कुहा जाए। कलश स्थापना समय रे जोटा थिबा ओ पानी वाला नडिया ही व्यवहार करंतु। एहा सो ध्यान रखंतु जे नडिया को सबुबेले कलश उपरे सुवाई करी ही रखंतु। नडिया रखिबा पूर्वरु कलश रे पांच पत्र कि सात पत्र विशिष्ट आंब डाळ निश्चित रखंतु। नडिया को केबे भी कलश उपरे ठिया करी रखंतु नाही। आहुरी मध्य नडिया रे आपण नाली कपड़ा गुड़ाई कलश उपरे स्थापन कले एहा अत्यंत शुभ बोली माना जाए। आशा करुछि आपणकु भिडियोटी निहाती भलो लागिथिबो। भिडियोटी भलो लागिथिने मो चैनलटी को सब्सक्राइब करी ए भिडियोकु गोटे लाइक निहाती करी दियंतु। रहुछि, धन्यवाद।